बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का अमल देना चाहती हूँ और आपने ये अमल तब करना है जब खुदा ना हास्ता किसी सांप या बिच्छू वगैरह से आपको काट लिया जाए। खुदा ना हास्ता अगर कभी ऐसा हो तो आप इस तरह ये अमल करेंगे। 7 मर्तबा सांस रोक लें, परेशानी ख़त्म। वाइज़ा बतश तुम जब बारीना, अगर किसी जहरीले जानवर मसलन सांप बिच्छू वगैरह ने काट दिया हो तो जिस पर काटा हो इसके इर्द गिर्द उंगली घुमाते हुए 7 मर्तबा ये मुबारक आयत एक ही सांस में पढ़कर दम करने से इंशाल्लाह इसका जहर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हों तो यही अमल कर लें तो झगड़ा ख़त्म हो जाता है। अगर रोते बच्चे पर दम कर दें तो ठीक हो जाता है। किसी ज़ख्म पर दम कर दें तो ठीक हो जाता है। गर्ज कोई मसला हो ये दम 7 मर्तबा सांस रोक कर लें। अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो यही अमल दिन में 3 से 5 बार कर लें।